इरिगेशन इंजीनियरिंग के कैनाल हेडवर्क चैप्टर के तीसरे लेक्चर में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले हमने जो है वियर और बैराज क्या होता है, इन दोनों के अंतर होते हैं, उसके बारे में बता दिया है। और आज हम तीसरी क्लास में अभिघर्षण स्लूस या तट का पाठ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिघर्षण स्लूस होता क्या, ठीक है, अंडर स्लूस या स्कोरिंग बोलते हैं, या होता क्या है। जैसे कि जानते हैं आप लोग कि जो नहर होती है वो निकलती है नदी से, और नदी में भी पानी जो है भिन्न भिन्न स्थानों से आता है, जिसको कैचमेंट एरिया बोलते हैं। तो अब ये पानी जब अधिक वेग से आएगा तो अपने साथ कुछ न कुछ मात्रा में मिट्टी को भी बहा कर ही ले आएगा, जिसके कारण क्या होगा, इसमें सिल्ट की मात्रा भी बहकर 107 आती है। तो एक्चुअली जब आप क्रॉस ड्रेनेज वर्क करते हैं, जहाँ से नहर निकालते हैं, तो नदी में क्या करते हैं आप, वहाँ पे नदी के अपस्ट्रीम के जलस्तर को बढ़ाने के लिए आप वियर बैराज स्ट्रक्चर बनाते, इसके बाद जो है वहाँ से नहर निकालते हैं। इससे पहले हमने बताया भी। तो होता क्या है कि वहाँ पर जो जल का वेग है, वेलोसिटी है, वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो जब जल की वेलोसिटी कम हो जाएगी तो जल में जो सिल्ट होगा वो क्या होगा, वो वहाँ जहाँ पे आप क्रॉस ड्रेनेज वर्क किए हैं या बांध बनाए हैं या बियर बनाए, जो भी आप वहाँ स्ट्रक्चर बनाए हैं पानी रोकने के लिए, वहाँ पानी स्थिर होने के कारण क्या होगा, सिल्टिंग होगी। तो जब सिल्टिंग होगी तो वहाँ पे गहराई जो होगा वो कम होती जाएगी। तो जब गहराई कम होती जाएगी तो जितना पानी वहाँ आना चाहिए उतना पानी वहाँ पे जो है नहीं आ पाएगा, ठीक है। मतलब कि पानी का लेवल ऊंचा होता जाएगा जबकि पानी मात्रा वहाँ कम रहेगी। तो जितने पानी के लिए आपने डिजाइन किया उतना पानी आपको मिल नहीं पाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि आप वहाँ से जब नदी से नहर निकालेंगे तो जब सिल्ट अधिक रहेगी तो सिल्ट क्या होगी, नहर बन जाएगी। तो नहर का जो डिजाइन होता है वो भी विसर्जन के अनुसार होता है, जितने रिक्वायरमेंट पानी को उसके अनुसार डिजाइन करते हैं आप। तो जब उसमें सिल्ट जाएगी तो क्या होगा, उसका क्रॉस सेक्शन जो होगा वो डिस्टर्ब होगा। मतलब उसमें सिल्टिंग अगर होगी तो जो क्रॉस सेक्शन जितनी उसमें जो है गहराई होनी चाहिए उतनी गहराई रहेगी नहीं। जब ऐसा नहीं रहेगा तो उसमें जाने वाले पानी की मात्रा भी कम होती जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि उसको फिर से सफाई कराना पड़ेगा। तो जिसमें अधिक धन व्यय जो है होगा, इसके साथ साथ समस्या क्या होगी कि जिस समय नहर की सफाई होगी उस समय अगर बात कर सिंचाई की तो उसमें पानी नहीं जा सकता ना, तो सिंचाई डिस्टर्ब होगी। इसलिए हम क्यों ना सिल्ट को पहले ही रोक लें। तो सिल्ट को पहले रोकने के लिए क्या करते हैं, देखिए अंडर स्लो जो स्ट्रक्चर होते जैसे क्या करते हैं कि आपका एक साइड वियर होता है, ठीक है, इसके बाद में आपका फिश लैडर होता है, तो डिवाइड वाल होती है, इसके बाद में जो इस साइड होगा आपके, मतलब जिस साइड नहर निकालते हैं वहीं पर क्या करेंगे, जो आप वियर बनाए हैं उसके नीचे क्या बोलेंगे, अंडर स्लूस बनाते हैं, ठीक है। और अंडर स्लूस से कम जो है 0.5 मीटर, ठीक है, कम से कम मतलब 50 सेंटीमीटर के ऊपर जो है उसके तल से ऊपर ही नहर के तल को बनाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब पानी आएगा तो वहाँ पे पानी स्थिर होने का क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपका वियर हो जाएगा इसको, और इस साइड जो है आपका डिवाइड वाल है, तो यहाँ पानी स्थिर हो जाएगा, तो यहाँ पे सिल्टिंग हो गई। सिल्ट क्या होगी, यहाँ बैठ जाएगी, यहाँ हलचल कम होगा पानी का। तो उस सिल्ट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अभिघर्षण स्लूस का निर्माण करते हैं। ये फिगर आपको जो है नोट आउट कर लेना, नोट्स में बना लीजिएगा, फिगर जरूरी है। तो एक्चुअली होता क्या है इसमें, अंडर स्लूस में जो वियर होता है उसके नीचे फाटक लगा दिए जाते हैं। तो जब वहाँ पर जो है सिल्टिंग हो जाती है तो उस फाटक को खोल देते हैं, तो क्या होगा कि उससे पानी अधिक वेग से निकलेगा और अपने साथ सिल्ट को बहाकर ले जाएगा। तो इसके बारे में आगे हम देखिए, अब इसके बारे में देखिए क्या है, अभिघर्षण स्लूस के बारे में देख लीजिए।
है, वियर एक ठोस संरचना होती है और इसके जिस किनारे से नहर निकाली जाती है वहां पर बने शांत कुंड के कारण पानी का वेग कम हो जाता है, जिसके कारण वियर के पास व नहर के हेड रेगुलेटर के सामने सिल्टिंग हो जाती है। और इस जमी हुई सिल्ट को डाउन स्ट्रीम तरफ बहाने के लिए वियर के उस भाग में अभिघटक स्लूज का निर्माण किया जाता है। इसकी संरचना बैराज की तरह होती है। यदि नदी के जलस्तर को ऊंचा करने के लिए वियर का उपयोग ना कर बैराज का उपयोग किया जाए। हाँ तो भाई, अगर देखिए, अगर वियर का उपयोग नहीं किया गया, अगर मान लीजिए बैराज बनाया गया है, उस स्थिति में अंडर स्लूज की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप क्या करेंगे, गेट को पूरा खोल देंगे तो ऑलरेडी क्या होगा, नीचे जो जमीन सिल्ट है वो निकल जाएगा डाउन स्ट्रीम में। तो इस तरह से, अच्छा आगे देखते हैं। देखिए अभिघटक स्लूज के क्या क्या कार्य हैं। देखिए अभिघटक स्लूज के निम्न कार्य है कौन कौन से, भी देख लीजिए इसमें। अब कितने पॉइंट हुए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पॉइंट हैं। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट है, अभी हमने आपको इसका डिस्कशन आगे कर लिया है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे है अभिघटक स्लूज की धारिता, वही कैपेसिटी की बात कर रहे हैं अब हम। इसकी कैपेसिटी भी तो कुछ निर्धारित करनी पड़ेगी, कितनी कैपेसिटी के हिसाब से आप डिजाइन करेंगे। पता लगा कि उसका उसका जो है आप डाया कम कर दिए, कम कर देंगे तो वेलोसिटी अगर कम रहेगी तो वो सिल्ट को बहा ही नहीं पाएगी। तो देखिए क्या कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। देखिए वियर की धारिता का निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है। ठीक है, कौन कैसे भाई। नंबर वन है सिल्ट को पूर्ण रूप से डाउन स्ट्रीम बहाने के लिए इसकी धारिता नहर की धारिता का कम, ठीक है, कम से कम 2 गुना होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अनुप्रस्थ काट, जैसे जो आपका नहर है या नदी है, उसका अनुप्रस्थ काट होगा उसमें जितना पानी आएगा, ठीक है, एकांक लंबाई में और पूरी चौड़ाई, मानी पूरी चौड़ाई और लंबाई की दिशा में एकांक लंबाई में जितना पानी आएगा उसका 2 गुना, ठीक है, उसका 2 गुना उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए पानी निकालने की, ठीक है, अंडर स्लूज की, जिससे इस भाग से गुजरने वाले पानी गति अवश्य हो कि इसके सामने की जमी हुई सिल्ट को सुगमता पूर्वक डाउन स्ट्रीम में या बहा सके। दूसरा है इसकी धारिता इतनी अवश्य होनी चाहिए कि वर्षा का पानी तथा छोटे बाढ़ों का पानी वियर के पट गिराए बिना ही निकल सके। समझ रहे हैं, इसका मतलब देखिए, अगर मान लीजिए बरसात हो रही है, बरसात पानी या छोटी मोटी बाढ़ आ रही है, उस कंडीशन में जो है हम केवल जो है ये आपके अंडर स्लूज से काम चला, इसको खोल दें तो पानी निकल जाए। ठीक है, तीसरा अधिकतम बाढ़ के समय बाढ़ का 10 से 15% पानी इन स्लूज से निकल जाना चाहिए। क्योंकि डिजाइन आप कर रहे हैं, हिसाब से डिजाइन करेंगे कि बाढ़ के समय इसका जो है 10 से 15% जो पानी होगा बाढ़ का वो इन इन अंडर स्लूज से ही निकल जाए। ठीक है, जिससे क्या होगा वियर की लंबाई आपकी कम रखी जा सके। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हाँ ये देखिए कंप्लीट हो गया आपका, ये बात अंडर स्लूज की बात हो गई, क्योंकि ऊपर वाले फिगर हम देख लीजिए आपने क्या क्या कर लिया, समझ लीजिए। पहले देखिए इसमें हमने जो है वियर के बारे में पढ़ लिया था, वियर रिक्वायरमेंट वियर जो भी है इसके बारे में, और वियर बैराज में अंतर पढ़ लिए थे। इसके बाद में हम आ गए हैं इस साइड में, अंडर स्लूज की बात कर लिए हैं। अंडर स्लूज के बारे में बात होने के बाद देखिए हम बात करेंगे कि आपके डिवाइड वाल, फिर स्लाइडर। ठीक है, तो भाई अब हम डिवाइड वाल की बात करें। डिवाइड वाल क्यों लगाते हैं, देखिए डिवाइड वाल जो होता है, जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हेडवर्क कर रहे हैं, जो पानी रोकने की व्यवस्था बना रहे हैं, उससे कुछ मतलब पानी के बहने की दिशा के समांतर ही मान लीजिए, जैसे पानी के बहने की दिशा के समकोण पर, ठीक है, आपका जो है बियर बैराज होते हैं, और पानी के समांतर, ठीक है, या उसके अपोजिट दिशा में, जिधर पानी आ रहा है उसके अपोजिट दिशा में, उसके समांतर हम एक दीवार बनाते कुछ लंबाई तक, इसे बोलेंगे विभाजक दीवार। ठीक है, तो इसका उपयोग किया, जैसे पानी उधर से आएगा तो ये क्या करेगा कि नहर के लिए आवश्यक पानी की मात्रा को उपलब्ध कराएगा। इसके साथ साथ यह एक शांत कुंड का भी निर्माण करता है, जैसे डिवाइड वाल आपका हो जाए, अंडर स्लुइस, और नहर का जो हेड जो है हेड रेगुलेटर से मिला के एक शांत कुंड का निर्माण भी करेंगे, जहाँ पानी की गति जो हो जाएगी न्यूनतम हो जाएगी और सिल्टिंग वहाँ हो जाती है, जिसको हम अंडर स्लुइस से निकाल भी देते। ठीक है, तो डिवाइड वाल देखिए, आपको चित्र यहाँ पर हमने दिखाया है, ठीक है, ध्यान में आपको समझाने की प्रयास किया। देखिए इस साइड में आपका पानी बने दिशा के लंबवत जो है आपका वियर बैराज है,
और ये लंबाई की दिशा में आपको दिख रहा है इधर, ये आपका डिवाइड बार है। तो ये जो फिगर है इसमें देखिए डिवाइड बार आपका जस्ट यही है, अंदर सोलह से बगल में ही डिवाइड बार है। देखिए यह वियर कट के लंब रूप एक लंबी दीवार होती है जो वियर की दीवार को अभिकटर स्लूस से अलग करती है, समझ गए। यदि यह दीवार मिट्टी की बनी हो तथा इसके ढालों को पत्थर कंक्रीट के ब्लॉकों से सुरक्षित किया गया हो किया जा या कर दिया जाता तब इस विभाजक दीवार क्या बोलते हैं, ग्रायन कहते हैं, ठीक है। और जब यह कंक्रीट की बनी होती तो विभाजक दीवार को जान ही रहा है, विभाजक दीवार ही बोलेंगे भाई। तो ग्रायन कब कहेंगे, विभाजक दीवार कहेंगे, इसको आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर आप आगे भी चलते हैं, विभाजक दीवार प्रमुख क्या क्या कार्य है, ठीक है। तो कार्य की बात करें, देखिए अभिकर्षण स्लूसों, ठीक है, तल वियर के तल से नीचे होता है, समझ गए। ये कहने का मतलब अभिकर्षण स्लूसों, ठीक है, का तल जो होगा वियर के तल से नीचे होता है, अतः दोनों को विभाजक दीवार बनाकर अलग कर लिया जाता है। और दूसरा क्या है भाई, इसका प्रमुख कार्य, विभाजक दीवार क्रॉस तरंगों को वियर से दूर रखती है, क्रॉस तरंगों से गहरे कटाव का खतरा रहता है, विभाजक दीवार कारण वियर के समांतर पानी का प्रवाह नहीं हो पाता है, वियर के समांतर प्रवाह से अब स्ट्रिंग की तरफ कटाव हो जाता है। अगर समझ रहे हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आपने नहीं बनाया है, आप जो है देखिए डिवाइड वाल बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका इस तरह से कोई ये नहर है, ठीक है, और इसमें पानी आ रहा है, और अगर हम क्या करें इस तरह से डिवाइड वाल बना दें, अब जो पानी आएगा ये आगे बढ़ता हुआ आएगा, इस तरह से बढ़ता हुआ आगे आता जाएगा, और अब यहीं से ये क्या होगा, उससे लड़के इस साइड आ सकता है, ठीक है। और यहाँ से आपका अगर हेड आपका हेडवर्क है, यहाँ पे पानी इधर से नहर में चला जाएगा, लेकिन अगर हम डिवाइड वाल नहीं बनाए तो क्या दिक्कत है। देखिए डिवाइड वाल हम नहीं बना रहे, जब पानी इधर मुड़ रहा है उस इधर जाएगा, ये देखिए अब ये पानी इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते आएगा और फिर ये इसके समांतर जाएगा, देखो क्योंकि लंबाई इसकी बढ़ जाएगी, वियर जो है आपका बना हुआ है अब इसके समांतर ये रहने लगे, ठीक है, समझ गए आप। अभी इसके अगर लंबाई बढ़ देगा यहाँ जो पानी जाकर लड़ेगा फिर इसके समांतर जाने लगेगा, तो वहाँ क्या होगा कि जो वियर होगा उसके फाउंडेशन पास ही कटा होना शुरू हो जाएगा, इसके परिणामस्वरूप जो वहाँ की मिट्टी उसके फाउंडेशन दबाए रखी वहाँ छट जाएगी और इसके फेल होने के चांसेस क्या होंगे, वो बढ़ जाएंगे। अब आगे चला गया भाई, तीसरा विभाजक दीवार जो है अभिघर्षण स्लूस पर नहर के हेड रेगुलेटर से घिरकर एक शांत कुंड का निर्माण करती है जिससे इस भाग में पानी शांत रहता है, पानी में हलचल ना होने कारण पानी की स्लिप नीचे बढ़ी है, हमने भी आपको इससे पहले बताया था ना, और ऊपर की तरफ अपेक्षाकृत साफ पानी रह जाता है जिससे नहर में अनावश्यक सिल्टिंग नहीं हो पाती, शांत कुंड, ठीक है, शांत कुंड एकत्रित सिल्ट को समय समय पर विघटन स्लूस को खोलकर वियर के डाउनस्ट्रीम में बहा दिया। एक्चुअली है क्या, जब वहां शांत कुंड बन जाएगा तो जब हलचल नहीं पानी होगी तो सिल्ट क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। तो जब इसकी मोटाई अगर 50 सेंटीमीटर अधिक हो जाएगी तो हम क्या करें, अंडर स्लूस को खोल देंगे और ये डाउन स्ट्रीम तरफ निकल जाएगा जो आपका सिल्टिंग हुआ है। और क्या, मछली सीढ़ी विभाजक दीवार से सटाकर बनाई जाती है जिससे इसे एक अच्छा आधार मिल, मतलब इसे एक अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। मछली सीढ़ी के बारे में भी आगे बताएंगे, तो भाई अगर विभाजक दीवार है तो क्या करेगी, मछली वाली जो सीढ़ी बनाएंगे उसको एक आधार प्रदान कर देती है। अगला क्या है, इस दीवार, ठीक है, के कारण, इस दीवार के कारण पानी की धारा की प्रवृत्ति हेड रेगुलेटर की तरफ जाने की होती है, क्योंकि अभिघर्षण स्लूस और विभाजक दीवार के कारण एक गहरी पहुंच चैनल बन जाती है जिससे नदी में जब कम पानी होता है तो वह सब नहर के हेड रेगुलेटर की तरफ आ जाता है। अब बात करें मछली सीढ़ी की, तो मछली सीढ़ी क्या होती है, मछली जाने जाएंगे सब लोग,
एक्चुअली होता क्या, जब आप कहीं नदी जो है या बड़ी नहर पर जब वीयर बराज बना देते हैं तो क्या होता है, एक तरफ पानी की जो हाइट होती है वो अधिक हो जाती है, दूसरी तरफ कम हो जाती है। जिस तरफ अधिक होती है उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, जिस तरफ कम होती है उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ईओएस एंड डीएस उसको हम डिनोट करें अब तक। तो होता क्या है कि कुछ मछलियाँ होती हैं वो मौसम के अनुसार विचरण करती रहती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ ठंडी की तलाश में जो है आगे बढ़ जाती है, कुछ गर्मी की तलाश। तो जाहिर बात है कि अगर वियर वैराज है, अगर मान लीजिए वियर है तो उस कंडीशन में पानी जो फ्लो होगा उसके ऊपर से होता रहता है, और वैराज भी तो उसके नीचे जितना गेट खोलेंगे होता है, हो ही जाएगा। तो समस्या क्या होती है कि जो मछलियाँ नीचे तो उतर जाती हैं, लेकिन जब उधर मौसम चेंज होता है फिर ये धारा विपरीत फिर चढ़ना शुरू करती हैं। तो होता क्या है कि वीर और बराज पास पहुंचते ही क्या करेंगे ये, अब आप स्ट्रीम में नहीं जा पाएंगे, ठीक है। और जब आप स्ट्रीम में नहीं जा पाएंगे तो वहाँ पीछे क्या रहेंगे, वो उछलती रहेंगे। और कब तक उछलती रहेंगे, जब तक या तो ये आप स्ट्रीम ना पहुंच जाए तब तक ये प्रयास करती रहेंगी, दूसरा या ये तब तक प्रयास करें जब तक ये खुद मर ना जाए। तो ये मरे ना, इसके लिए क्या होता है कि हम मछली सीढ़ी का निर्माण करते हैं जिसमें पानी का वेग हम कम से कम रखते हैं, जैसे 2 से 3 मीटर प्रति सेकंड मतलब रखते हैं मैक्सिमम, जिससे कि मछली क्या हो उसमें चढ़ सके, ठीक है। तो ये जो बनाते स्ट्रक्चर जो सीढ़ी बनाते हैं तो उसे बोलते हैं फिश लैडर। तो फिश लैडर में देखिए फ्लक्स वाल होती है कई, ठीक है, बफल वाल बोलते हैं, बफल वाल कई होती हैं। और ये बफल वाल क्या करेंगी, पानी की वेलोसिटी कम करती करती हैं। जैसे हम चित्र में आपको समझा दें, ये प्लान है आपका, देखिए मान लीजिए आपका ये जो है यहाँ हमने इसकी स्ट्रक्चर बनाई है, इस साइड बहुत ऊपर है, ठीक है, मतलब हमने इसको वीर से कनेक्ट किया है, डाउन स्ट्रीम करवा रहे हैं। तो एक दीवार बनाएंगे इस तरह से, इसको इस किनारे खोलेंगे, दूसरी दीवार बनाएंगे इस किनारे खोलेंगे। अब पानी क्या होगा यहाँ से आकर, तो बहुत अगर वेलोसिटी अधिक है तो यहाँ लड़ेगा, फिर यहाँ से फिर पानी इसमें जाएगा, फिर थोड़ी वेलोसिटी कम होगी, उसकी नदी कम होगी। इस तरह से ये आते आते इसको इतना लंबा बना दिया, लास्ट में क्या होगा इसकी वेलोसिटी न्यूनतम होती चली जाती है, और इसमें मछली क्या होती है धारा विपरीत दिशा में आराम से चढ़ सकती है, समझ गए। देखिए चित्र अपना देख लीजिए, यहाँ देखिए आप, आपका ये आप स्ट्रीम है, अब यहाँ से इस तरफ से ये चीज बना हुआ है, ये स्लाइडर स्ट्रक्चर देखिए, फ्लो स्ट्रक्चर देख लीजिए किस तरह से, ठीक है। तो इसलिए मछली सीढ़ी का निर्माण करते हैं ताकि जो है मछली आप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में विचरण आराम से कर सके। और इसमें आगे बात करते हैं कि मछली सीढ़ी का भी कल्पन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो मुख्यतः 5 बातें हैं। पहले क्या, बैफल जो आपकी बैफल दीवार क्या होती है, जो पानी के वेग को कम करती है, पानी की एनर्जी को रिड्यूस करती है, ठीक है। और पानी के जो है आपकी जो धारा जिस डायरेक्शन में उसको लंबवत बनाई जाती है वो सवाल होती है। बैफल दीवार व उसके बीच बने कच्छक माप, ठीक है, इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए कि मछलियाँ चढ़ते समय दीवार से ना टकराएं, ठीक है। दूसरा है मछली सीढ़ी का जो ढाल होगा वो 1:10 से अधिक नहीं होना चाहिए, तब मछली सीढ़ी किसी भाग में, ठीक है, मछली सीढ़ी के किसी भाग में पानी जो है का वेग 3 मीटर प्रति सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है सीढ़ी में पर्याप्त प्रकाश रहना चाहिए। चौथा, इसमें प्रत्येक समय जल उपलब्ध रहना चाहिए, ठीक है, सॉरी गलत हो गया, इसको सही करना है, रहना चाहिए, जिससे मछलियाँ अपनी आवश्यकता अनुसार कभी भी एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके, मतलब अप स्ट्रीम डाउन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। मछली सीढ़ी बाढ़ तल से ऊंचा होना चाहिए। तो चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और वीडियो की सहायता से नोट्स बनाते रहिए, PDF हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्लास रेगुलर बनाए रखिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।